सोलन में इस बार जहां टमाटर की फसल ने किसानों को मालामाल कर दिया, वहीं शिमला मिर्च ने भी उन्हें निराश नहीं किया। शिमला मिर्च लगाने वाले किसानों को भी उनके फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिसके चलते जहां एक और किसान खुश हैं, वहीं सोलन सब्जी मंडी के आढ़ती भी खुश नजर आ रहे हैं। सोलन की सब्जी मंडी पर लॉकडाउन का कुछ खासा असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने जो नियम प्रदेश की मंडियों को चलाने के लिए बनाए, वे बेहद कारगर साबित हुए। यही वजह है कि यहां की शिमला मिर्च न केवल हिमाचल में बल्कि अन्य राज्यों में भी बेरोक टोक पहुंच रही है, जिसकी वजह से जिला सोलन और सिरमौर के किसान बेहद खुश हैं। सोलन के आरती राजीव कोहली ने बताया कि इस बार सोलन सब्जी मंडी में रोज 1200 से 1800 बैग शिमला मिर्च के पहुंच रहे हैं। इस बार किसानों को शिमला मिर्च की फसल के दाम भी 20 रुपए से लेकर 32 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिमला मिर्च की मांग पंजाब, हरियाणा, एनसीआर और यूपी से बहुत आ रही है। मांग बढ़ने से शिमला मिर्च के दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी दाम में कमी आने की संभावनाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी किसानों को शिमला मिर्च के अच्छे दाम मिले थे और कोरोना संकट होने के बावजूद भी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। शिमला मिर्च वो क्वांटिटी यहाँ पर नियर अबाउट आप ये कह लीजिए कि 1200 से लेके 1800 बैग डेली आ रहे हैं और इस बार जो है रेट जो है 20 रुपए से लेके 30-32 रुपए तक बहुत अच्छा रेट जिम्मेदार को मिल रहा है। आप ये कह लीजिए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो शिमला मिर्च का रेट है वो तो नियर अबाउट पिछले साल भी यही रेट मिला है और इस साल भी अच्छा रेट मिल रहा है। ओवरऑल जो है अभी शिमला मिर्च का रेट टिका रहेगा, ये चलेगा, इस रेट में चलता रहेगा। शिमला मिर्च की डिमांड तो आप कह लीजिए कि आपके यूपी और पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के आसपास का एरिया, टोटल एनसीआर, यहाँ से काफ़ी डिमांड है और अच्छा रेट भी मिल रहा है ग्रोवर्स को। वहाँ पर जितनी शिमला मिर्च यहाँ आ रही है उतनी ही शिमला मिर्च इन स्टेटों में डायरेक्ट किसान भी भेज रहा है, उनको भी अच्छा रेट मिल रहा है और जो यहाँ लेकर आ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। बहुत राहत की खबर है जी, देखो इस बार लॉकडाउन होने की वजह से जो है मैक्सिमम एम्प्लॉयज हमारे किसान एम्प्लॉयज जो वो घर में रहे हैं, उनको छुट्टियाँ हो गई थी, उन्होंने खूब जो है मेहनत की है और अपना खून पसीना बहाया है खेतों में और उसका उनको फल बहुत अच्छा मिल रहा है इस बार टमाटर में भी और शिमला मिर्च में। कंपनीज हैं जो कंपनीज हमसे यहाँ से शिमला मिर्च वगैरह और टमाटर वगैरह ले रही हैं, जैसे मदर डेयरी हैं और बहुत कंपनीज हैं जो डायरेक्ट ले रही हैं, किसानों से भी ले रही हैं, हमसे भी ले रही हैं, वो बहुत अच्छा रेट दे रहे हैं। वो 40 से 50 रुपए केजी का रेट दे रहे हैं। जैसे लोकल बीज आता है, एक लोकल बीज थोड़ा कम रेट में बिकता है, उसके ऊपर से डॉलर आ जाता है, डॉलर जो है वो अच्छा रेट में बिकता है, डॉलर से ऊपर जो है वो पैलाडीन वगैरह आ जाती हैं, वो भी वैरायटियां हैं, ये सब वैरायटियां हैं। ये जो है शिमला मिर्च पैलाडीन है या डॉलर है, ये बड़ी सॉलिड होती हैं उसमें और मतलब कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, इस वजह से उनका रेट अच्छा मिलता है।